एक अर्थी शब्द। एक अर्थी शब्द का मतलब होता है कि वर्ड एक, शब्द एक, लेकिन उसका अर्थ जो है, उसका मीनिंग जो है क्या होगा, दो तीन प्रकार का होगा। ठीक है, दो तीन प्रकार का लिखा है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होने का पता चलता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक अर्थी अर्थ। मतलब जिस शब्द से, जिस वर्ड से आपको एक से अधिक, एक से ज्यादा अर्थ का, मीनिंग का पता चलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक अर्थी शब्द। ठीक है, तो जैसे अंक, अंक मतलब होता है गोद, अंक मतलब होता है गोद, मतलब जैसे हम बच्चे को अपने इसमें रखते हैं लैप में, तो उसको हम क्या बोलेंगे इसमें, तो उसको क्या बोलेंगे, गोद। और अंक का दूसरा, उसका मीनिंग क्या होगा, संख्या। एक अंक का मतलब है गोद, एक अंक का मतलब है संख्या। सिर्फ किस पे फर्क आएगा, सेंटेंस में। जैसे अगर हम बोलेंगे कि मैंने बच्चे को अंक भर दिया, मतलब हग करना, तो आप क्या बोलेंगे उसको, ये गोद आ गया। फिर दूसरा आएगा, आपको कितना नंबर मिला है, कितना अंक मिला है आपको रिजल्ट में, कितना अंक मिला है। सिर्फ सेंटेंस जब होगा ना, जब वो वाक्य होगा उसमें आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा, जब सेंटेंस से आपका पता चल। जैसे अंक भरना, अंक भरना मतलब हग करना। दूसरा अंक भरना है, अंक मतलब है नंबर्स, मीनिंग क्या हो गया उसमें, एकदम सेंटेंस में, एकदम वाक्य में उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। संख्या मतलब आपको रिजल्ट में कितना नंबर मिला, आपके टेस्ट में कितना नंबर मिला, कितना अंक मिला। ठीक है, देख दूसरा नंबर है कनक, कनक का मतलब होता है सोना और गेहूं। लेकिन आप ये कैसे पता चलोगे, आपको पता चलेगा जब आप उसमें वर्ड, जब आप सेंटेंस बोलोगे। जैसा मैंने सोना खरीदा, मैं कनक का मतलब, ये सोना मतलब सोना स्लीपिंग नहीं है, सोना का मतलब है गोल्ड, इसका मतलब क्या होगा, गोल्ड। तो मैंने सोना खरीदा, या मेरी मम्मी के पास बहुत ज्यादा सोना है, या मेरी दादी के पास बहुत ज्यादा सोना है, या मुझे सोना बहुत पसंद है, तो यह आ जाएगा आपका कनक। दूसरा आ जाएगा गेहूं, गेहूं मतलब जिससे हम आटा बनाते हैं ना, आटा पीसते हैं ना, उसको बोलते हैं गेहूं। तो उसका कलर भी कैसा होता है, गोल्डन कलर का होता है, सेम सोना का कलर होता है, तो वो क्या है, कनक का मतलब है गेहूं। हमने गेहूं का आटा पीसा, हमने गेहूं से फलाना डिश बनाया, या हमने गेहूं से कुछ एक्स्ट्रा डिश बनाया, तो उसको आप क्या बोलोगे, गेहूं। दूसरा आपका कर, कर मतलब है आपका हाथ, हाथ मतलब ये हैंड। और दूसरा आपका कर का मतलब किरण, जैसे सुबह धूप निकलता है, सूरज निकलता है, तो उसका जो रोशनी आता है, उसका उसका जो लाइट आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, किरण। नेक्स्ट है फल, फल मतलब आपको पता, फल का मतलब फ्रूट्स है, तो एक फल का मतलब क्या होगा, फ्रूट्स। मैंने फ्रूट्स खरीदा, या मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो दूसरा फल का मतलब होगा नतीजा, रिजल्ट। आपने जो एग्जाम किया था उसका क्या नतीजा निकला, क्या रिजल्ट निकला, क्या फल निकला, जब आप बोलोगे, तो जब आप वाक्य में बोलोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, मीनिंग अपने आप पता चल जाएगा कि ओहो इसका मतलब ये मीनिंग है, मेरा फल ये निकला, मैंने एग्जाम में काम बहुत अच्छा मेहनत किया था, उसका मुझे फल ये मिला, उसका मुझे नतीजा ये मिला। दूसरा आ गया आपका पत्र, पत्र मतलब चिट्ठी, तो लेकिन उसी पत्र को जब आप बोलेंगे तो उसका क्या होगा, पत्ता, पत्र का मतलब पत्ता है, और दूसरा पत्र का मतलब है चिट्ठी। फिर लेकिन वो क्या होगा, जब आप सेंटेंस बोलेंगे, जब वाक्य बोलेंगे, तब आपको उसमें अलग से उसका मीनिंग पता चल जाएगा। जैसे मैंने पत्र लिखा, या मुझे पत्र मिला, या मेरी फ्रेंड ने मुझे पत्र लिखा, मेरी फ्रेंड का मुझे पत्र कल मिला, तो वो क्या आ जाएगा, चिट्ठी। और पेड़ से पत्ते गिरते, पेड़ में बहुत सारे पत्ते लगे हैं, मुझे पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, या पत्ते का कलर ग्रीन होता है, तो आपका क्या होगा, ये सब पत्र। ठीक है ना, तो क्या है, वर्ड एक एक है, लेकिन उसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो अलग अलग है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग अलग जाएगा, वो सेंटेंस, वाक्य के मुताबिक। जैसा जैसा वाक्य होगा उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली बदलता जाएगा। ठीक है ना, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो इसको आपने लर्न करना है, इसको फिर लिखना है कॉपी में, और पेज नंबर 60।